हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी। देखो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहो यार, बिकॉज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं एंड बहुत सारी जानकारियाँ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहो एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी दबा लो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों, जिसमें FDRD से भी अच्छा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज इसमें लोग इन्वेस्टर लोग आपके पैसे को लेकर अलग अलग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उनसे प्रॉफिट जो होता है उसमें से आपके कमीशन काट के थोड़ा सा और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर ग्रो ऐप सजेस्ट करूँगा कि बिकॉज ग्रो ऐप काफ़ी सिंपली है, इसमें आप काफ़ी सिंपल सा स्टेप फॉलो करके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें आपको एक OTP आएगा तो उसको फिलअप करना होगा। ग्रो ऐप का अकाउंट कैसे बनाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी का वीडियो मिल जाए आप लोगों को, वहाँ से ग्रो एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट बनाना उस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है। ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी कोड को फिलअप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने किसी भी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने कंपनी को चूज कर सकते हैं। मैं ICICI पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसमें करें, बिकॉज आप अपने रिस्क पर इन्वेस्ट इसमें लगाएं। इन्वेस्ट करने के यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली SIP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं एक कोई भी चूज करके आप लोगों को दिखा देते हैं। मंथली SIP पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, आप जितना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं 100 रुपये का करता हूँ और यहाँ से आप अपने आप अगला इंस्टॉलमेंट आपको भरना होगा। तो यहाँ पर मैं चलिए डेट भी फिलअप कर लेता हूँ और यहाँ कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैसा जो है पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए मैं यहाँ से अमाउंट पे करने के बाद आपका यहाँ से अमाउंट पे करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ जिसको आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर इन प्रोसेसिंग में आपको दिखेगा और 2 से 4 दिन के अंदर आपको यहाँ पर वो पैसा डैशबोर्ड में दिख जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5,200 रुपये इन्वेस्ट किया है और इसमें जो टोटली रिटर्न मुझे मिला है 3600 रुपये का। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक SIP किया। तो यहाँ पर बात करते हैं कि SIP को अगर आप तोड़ना चाहते अपनी रिडीम करना चाहते बैंक में तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए आपको अपने SIP पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कैंसिल SIP करके आप अपने SIP को कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसका 24 आवर के अंदर आपके बैंक में पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें जो है कर सकते हैं SIP एंड उसको आप रिटर्न भी अपने बैंक में ले सकते हैं बिना किसी चार्ज के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।